नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम ऐसी जगह पे आए हैं जो 1560 में जिसका निर्माण हो चुका था, अरब सराय दरवाज़ा। दोस्तों ये दरवाज़ा लगभग 15 मीटर का है और जितना भी एरिया इस टाइम आपको नज़र आ रहा है ये सारा एरिया इस दरवाजे से अटैच है। और दोस्तों यहाँ पर अंदर जेल हुआ करती थी अरब सराय दरवाजे के अंदर। दोस्तों अरब सराय दरवाज़ा हुमायूं की विधवा बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। दोस्तों ये जेल के तौर पे यूज़ करा करते थे उस टाइम पे 1560 में। तो बेगम के मरने के बाद, हाजी बेगम के मरने के बाद, उसके बाद इसको जन्नती दरवाजे का एक नाम दे दिया, क्योंकि इसके अंदर सारी वो चीज़ें रखी जाती थी जो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी कीमती हुआ करती थी। दोस्तों इस टाइम मैं आपको दिखाऊँ, इस गेट के अंदर जो पब्लिक आ रही है वो फोर्सफुली आ रही है, अंदर कोई भी एंट्री नहीं है आने जाने की। और मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊं तो सारा ही ये टूट गया है, खंडनुमा एरिया हो चुका है। दोस्तों इसका नाम अरब सराय दरवाज़ा क्यों पड़ा? दोस्तों जो इस दरवाजे की लकड़ी है वो अरब से मंगवाई गई थी। चलिए दोस्तों अब चलते हैं बाहर की ओर। दोस्तों बाहर की ओर ये दरवाज़ा लाल चमचमाता हुआ आपको नज़र आएगा और यहाँ इसका एक बोर्ड लगा है अरब सराय दरवाज़ा। और दोस्तों यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसका निर्माण कब हुआ था, कब से लेके कब तक। और दोस्तों यहाँ लोग आते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा फोर्सफुली लोग अंदर जा रहे हैं। ये दोस्तों यहाँ की लापरवाही है, जो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड अभी नहीं हैं इसलिए लोग अंदर जा रहे हैं। और दोस्तों ये 15 मीटर का दरवाज़ा अरब से मंगवाया गया था, जो उसकी लकड़ी थी वो अरब से मंगवाई गई थी। उसके बाद हुमायूं की बेगम ने, विधवा बेगम ने इसको दरवाजे को यहाँ बनवाया गया था। 15 मीटर का दरवाज़ा दोस्तों देखने में काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों हुमायूं के मरने के बाद इसका निर्माण हुआ था, जो उसकी विधवा बेगम ने करवाया था। उसकी विधवा बेगम के मरने के बाद इसके अंदर दोस्तों काफ़ी ऐसी कीमती चीज़ें रखी हुई थी, जो काफ़ी कीमती चीज़ें थी। दोस्तों इसलिए इसे एक जन्नतिया दरवाज़ा भी कहा करते थे। दोस्तों इसके अंदर जो जाता था वो काफ़ी खूबसूरत लोगों को नज़र आता था अंदर से। और दोस्तों इसके अंदर जाने की परमिशन किसी भी इंसान को नहीं थी, कुछ खास लोग थे सिर्फ उन्हें ही ये परमिशन थी। ये दोस्तों आसपास बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं और यहाँ पब्लिक का आना जाना है। दोस्तों फ़िलहाल ये बंद है, पर यहाँ पर पब्लिक है जो फोर्सफुली अंदर जाने की कोशिश करती है। और अभी ये कुछ देर में बंद हो जाएगा ये दरवाज़ा। ऊपर की साइड में आपको दिखाऊं तो ऊपर की साइड दोस्तों काफ़ी ऐसे, ऊपर की साइड ऐसे कुछ खास सिपाही खड़ा हुआ करते थे जो उस दरवाजे पे नज़र रखा करते थे। इसके अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं थी बेगम के मरने के बाद। पर दोस्तों देखने में आज भी ये दरवाज़ा खूबसूरत है, 15 मीटर का दरवाज़ा है दोस्तों। पर कहते हैं कि हुमायूं के मरने के बाद उनकी बेगम ने जब इसका निर्माण कराया था तो ये जेल के तौर पे करवाया था। दोस्तों यहाँ ऐसे कैदी थे जिनको यहाँ सजा दी जाती थी और अंदर ही मार दिया जाता था, कोई भी अंदर से बच के नहीं आता था। दोस्तों इसके चारों तरफ पूरी एक बाउंड्री हुआ करती थी और अंदर से मैं आपको जेल दिखा ही चुका हूँ कि अंदर का नज़ारा। दोस्तों बड़ी एक लागत से बनाया एक दरवाज़ा था, जो जिसमें काफ़ी लागत लगी थी अरब सराय दरवाजे में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली एक प्यारी सी वीडियो में।